हेलो गाइस, कैसे हो? तो चलो आज हम रैंक गेम खेलने के लिए चलते हैं गाइस, जिसमें हम डायमंड से हीरोइक पुश करने के लिए बेस्ट ट्रिक बताते हैं गाइस, ठीक है? तो ये जो मेरी स्क्वाड है, ये सारे रेंडम बंदे हैं। मैं वर्ल्ड से बुला के इनको फ्रेंड बनाया हूँ गाइस, और आज इन्हीं के साथ मैं खेलने के लिए जाऊँगा गाइस। तुम लोग एकदम ध्यान से गेम देखना, और मैं तुम्हें मास्टर पुश करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आज की डेट में नेक्स्ट्रा मैप में, ठीक है गाइस? क्योंकि ये नेक्स्ट्रा मैप आने वाला है गाइस, क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना के फिर बाद में आवाज़ डाल रहा हूँ गाइस। और अगर टीम मेट की आवाज़ रहती है तो वो लोग बहुत, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है, और अच्छे से आवाज़ नहीं आती गाइस, इसलिए वीडियो में डिस्टर्ब होती है कि, और वॉइस बहुत सिलो सिलो रहती है, क्योंकि मेरी नीचे की वीडियो जाके चेक करो, उसमें उसी तरीके से मैंने डाली है, तो पहले बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी चैनल हमारा मोनेटाइज हो जाए उसके बाद क्या बोला जाता, मैं हेडफोन से इस्तेमाल करूँगा खेलने के लिए। अभी मेरे पास मोबाइल अच्छा नहीं है, हेडफोन है मेरे पास, मोबाइल अच्छा नहीं। तो यहाँ फिर हम लैंडिंग करते गाइस, यहाँ लैंडिंग के समय फाल्को लेके, अगर यहाँ बंदे ज़्यादा दूर है तो यहाँ लैंडिंग करो, तो कोई भी बंदा नहीं आएगा। और मास्टर पुश करने के लिए गाइस, जब हीरोइक पे रहो तो सेफ एकदम लैंडिंग करना है, चाहे जहाँ लूट लूट कर मतलब कम मिले चल जाएगी, मगर एक भी बंदा डाउन नहीं होना चाहिए गाइस। और देखो यूएमपी मुझसे अच्छी नहीं चलती गाइस, मैं यूएमपी तो चलाऊंगा ही नहीं। यहाँ दो गोले वाली शॉटगन है गाइस, यहाँ मैं यही चलाऊंगा, क्योंकि दो गोले वाली शॉटगन सबसे मस्त हो, मस्त चलती है, और मैं पहले चलाता था गाइस, अब नहीं चलाता हूँ। तो यहाँ सारी लूट कर लेते हैं गाइस अच्छे से, और यहाँ की वीडियो लूट करके हम कट कर देते हैं, क्योंकि आगे चल के ऊपर लूट करेंगे गाइस। यहाँ तो लूट करते करते मैं वीडियो कट कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइस। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो, तुम देखने में दिक्कत हो तुम्हें। तो देखो मैं यहाँ से वेस्ट ले लेता हूँ गाइस, वेस्ट सब कुछ लेके मैं आगे चला आया हूँ। अब यहाँ यहाँ बंदे, यहाँ गाइस उतरने पे लूट भी मिल जाती है, और क्या बोलते हैं, बंदा भी यहाँ आते भी हैं, तो या तो ग्रैंड मास्टर की स्क्वाड आएगी, या तो थोड़ा से लो बंदे रहते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ कम लेवल के बंदे आते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लूट नहीं रहती है ना, तो इसीलिए या तो ग्रैंड मास्टर के बंदे आते हैं, या तो वैसे ही बंदे आते हैं। तो गाइस हम यहाँ अच्छे से देखते हैं, और गाइस तुम लोग मर जाते हो, और तुम्हें अपने दोस्तों को रिवाइव करने के लिए नहीं आता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अपने दोस्तों को कैसे रिवाइव किया जाता है आगे चल के गाइस। आगे चल के मैं वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे रिवाइव किया जाता है जोन में, कि जोन के अंदर जाके जब अपने टीममेट मर जाए, एक टीममेट मरे तो मत जाओ, जब दो टीममेट मर जाए तब 100% तुम्हें जाना ही जाना है, अगर बुइया करने के लिए वो करना है तो गाइस। यहाँ मेरा एक बंदा डाउन है, वो भी डाउन हो गया है गाइस। मेरे पास मोबाइल जो है बहुत बेकार है गाइस, मैं बहुत जल्द लेने वाला हूँ, क्या करूँ यार, हम लोग जानते हो मोबाइल से बहुत दिक्कत होती है। इसको हम गाइस बचा लेते हैं, वो बंदा तो मर गया है, तो इसको हम बचा के लूट करते हैं गाइस, अच्छी वाली लूट मिल जाए। वाह चलो मस्त है गाइस, और इसमें टोटल 10 किल मैंने करी है गाइस, लास्ट में तुम चेक कर लेना कि मेरी कितनी किल हुई है, तो ठीक है। मेरे टीममेट की कितनी हुई है मुझे नहीं पता, मुझे, मैं भूल गया हूँ गाइस। तो यहाँ सब कुछ लूट करो गाइस, और एनिमी को ध्यान में रहे, एनिमी एकदम देखते रहो, और अपना बंदा कोई मर ना पाए, और साथ में सब सब बंदे साथ में, जो भी लेके खेलो, जो तुम्हारी बात ना सुने गाइस उसको टीम में मत रखो, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ उसको टीम में मत रखो ही मत, अपनी टीम में तुम दूसरे बंदे को फ्रेंड बनाओ जो उस बात सुन के खेलता हो। अगर तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता गाइस, उसके साथ खेलना बेकार गाइस,
क्योंकि तुम मर जाओगे, तुम्हें रिवाइव ही नहीं मिलेगा। जब रिवाइव नहीं मिलोगे तो माइनस के सिवा कुछ नहीं होगा गाइस। जो बंदे बात सुन के खेले उन्हीं बंदे के साथ खेलो भाई, नए नए दोस्त बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुराने बंदे कूड़ा दो, अगर तुम्हारे साथ में रह के खेलते हैं गाइस उनके साथ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्या बोलते हैं वो अलग जाके मरते हैं तो गाइस उनको अपनी टीम में मत रखो तो बेहतर है, क्योंकि अगर तुम्हें मास्टर पुश करना है तो स्क्वाड एकदम साथ में रहनी चाहिए। अगर साथ में नहीं रहोगे तो सबके सब माइनस लगेगा गाइस। और मैं भी जब यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था गाइस तब यही करता था, जो मेरे साथ में रहता था उसी को मैं रखता था, जो साथ में नहीं रहता था तो मैं बिल्कुल नहीं रखता था, क्योंकि गाइस बहुत गंदा माइनस होता है, तुम मास्टर पहुंच ही नहीं पाओगे जब अलग अलग लोग बंदे खेलेंगे। अभी देख रहे हो मेरे साथ ये लोग हैं, अब वो बंदा डाउन हो गया, ऊपर वाला बचाने के लिए आ रहा है गाइस, उसको तो कोई नहीं बचा सकता गाइस, क्योंकि राफेल करेक्टर बहुत ख़तरनाक होता गाइस। राफेल करेक्टर स्क्वाड में राफेल करेक्टर लेके 100% तुम्हें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस बंदे के सामने अगर मार दोगे वो डाउन हो जाएगा, वो बचा नहीं पाएगा। अभी देखो उसका टीममेट जाएगा बचाने के लिए, ज़िंदगी में नहीं बचा पाएगा गाइस। राफेल करेक्टर इतना ख़तरनाक होता। अभी देखो वहाँ डाउन हुआ है, अभी देखो उसकी क्या हाल हो गई। जब तक वो उतरेगा तब तक देखो किल मिल गई मुझे। तो गाइस इसीलिए कहता हूँ राफेल करेक्टर उठाओ, सबसे पहले लगाओ। देखो वहाँ पे देखो अभी बचाएगा तब भी मर जाएगा, किल मिल जाएगी मुझे, क्योंकि राफेल करेक्टर ऐसा होता है गाइस, बिना राफेल करेक्टर के खेलो ही मत। अब बहुत अच्छा है गाइस राफेल करेक्टर, जब से अपडेट में जब से आया गाइस मैं तो एकदम, क्योंकि बंदा बचा ही नहीं पाएगा अगर थोड़ा से दूर है, दस मतलब थोड़ा से दूर है। जैसे वो बंदा वहाँ से मेरा टीममेट वहाँ से यहाँ आएगा रिवाइव करने के लिए तो आधे रास्ते वो पहुँचेगा तब तक मर जाएगा। देखो मेरा टीममेट मर गया, मुझे रिवाइव करना है हर हाल में गाइस, चाहे मन जैसे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को ऐसे ही रिवाइव करता हूँ गाइस। और हम लोग ग्रैंड मास्टर, और गाइस जिस दिन मैं फ़ोन लूँगा उसी सीजन में, उसके या बाद में, उसके बाद वाले सीजन में 100%, अगर वो सीजन जल्दी 8-10 दिन बचा रहेगा तो मैं ट्रेनिंग खेल के वो मोबाइल पे हाथ बैठा लूँगा गाइस, और ग्रैंड मास्टर की वीडियो 100% डालूँगा। इस मोबाइल में मैंने ग्रैंड मास्टर किया है और गाइस ये 4 साल पुराना है गाइस, इसीलिए अब इसमें बेकार है, अब एकदम इतना ज़्यादा बेकार हो गया कि कुछ कहने वाली बात नहीं गाइस। मैं इसमें खेल नहीं पाऊँगा क्योंकि इसका टच नहीं काम करता है गाइस। मेरी दो गोली वाली शॉटगन छूट गई है गाइस, चलो फाइनली आ गई। तो एक बंदा हमारा डाउन हो गया है गाइस, तो हम चल रहे हैं वहाँ से रिवाइव करेंगे। और गाइस देखो वो तीनों बंदे साथ में रह के खेल रहे हैं और मुझे रिवाइव देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे साथ वो लोग ना रहे तो मुझे तो रिवाइव देना ही पड़ेगा गाइस। और हम वहाँ देखो इसी तरीके से जोन में जा के रिवाइव करना है तुम्हें, अभी लास्ट में देखना कि मैं कैसे जा के जोन के अंदर जा के रिवाइव करके आया हूँ गाइस। अगर तुम्हें बुइया मारना है और गेम ढंग से एकदम परफेक्ट प्लस चाहिए तो तुम्हें हर हाल में इसी तरीके से रिवाइव करना। अभी लास्ट जोन में मैं देखो कैसे जा के रिवाइव करके आता हूँ गाइस, अभी तुम लोग देख लेना। तो चलो हम इधर चलते हैं गाइस, इधर कई बंदे फाइट कर रहे हैं दो स्क्वाड में गाइस। यहाँ से मैं इन लोगों का यहाँ से मजे लूँगा गाइस, थर्ड पार्टी मेरे साथ बहुत हुई है, आज मैं भी करके तार लेता हूँ। गाइस जो जिसको मारोगे वो बचेगा ही नहीं, या देखो Rampage. तो गाइस देख रहे हो 5 किल थी, 7 किल हो गई है, देखो 2 बंदे हमारे मर गए। अब यही चीज़ यही
यही सबसे मेन पॉइंट होता है। वो बंदा हमारा जोन में फंसा है और दो बंदे हमारे मर गए गाइस, हमें अंदर जोन में जाके रिवाइव करना है, तभी हमें बोया मिल पाएगा गाइस, और हमें इसी तरीके से रिवाइव करना। तुम भी खेलना तो इसी तरीके से अपने टीममेट से कहो इसी तरीके से रिवाइव दे। देखो के करेक्टर है और मेडी है मेरे पास, मैं बच के आ जाऊँगा। गाइस बोन फायर ज़रूर लेके खेला करो, या तो उतरने वाला, अब तो बोन फायर नहीं लोग ले खेलते हैं गाइस, अब तो उतरने वाला जो थमथम गन रहती है वही वही लेके खेल रहे हैं, और मैं भी वही लेके खेल रहा हूँ, मगर मैं इस दूसरी आईडी वो वाली आईडी में वही लेके खेल रहा हूँ, इसमें गलती से चला आया गाइस। तो चलो कोई बात नहीं, देखो मैं तो यहाँ पार हो गया हूँ गाइस, और देख रहे हो अभी देखो कैसे किल होती है गाइस। और इसी तरीके से देखो एक बंदा हमारा फिर भी मर गया है, चलो क्या कर सकते हैं, अब दोबारा नहीं जा पाएंगे गाइस, अब जाएंगे दोबारा तो मारे जाएंगे, क्योंकि जोन एकदम छोटा हो चुका है। या देखो गाइस तब भी देखो अब तक कोई बंदा जिंदा नहीं रहता गाइस, सब के सब मर जाते हैं, अब मैं अकेला बचता और ये लोग मेरे ऊपर खुद ही। या देखो पीछे से आ गया, चलो ये भी हो गया गाइस फिनिश। तो गाइस इसी बात पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो अभी तक, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ गाइस। और गाइस पैसा ऐसा नहीं लगता है गाइस, सब्सक्राइब कर लो, और हम इसी तरीके से वीडियो डालते रहते हैं गाइस। देख रहे हो भूया हो गया, अगर गाइस मैं अकेला रहता तो कैसे भूया होता, ये लोग मेरे ऊपर खुद ही छाप पड़ते, और मैं कितना भी अच्छा खेलूँगा तो भले से ये लोग मार देते गाइस। चलो गाइस मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब